पॉइंट है, हुजूर की दावत दीन के असरात अर्ज़ कर रहा हूँ, सहाबा की तरबियत और दीन की तबलीग के असरात। उसने कहा कि जो किताब तुम्हारे पैगंबर पर उतरी है उसका कुछ हिस्सा हमें सुनाओ, बस यही तो मौका था। मस्जिद में तिलावतें और हैं, मुसलमानों में काबा की तिलावत और है। अरे मज़ा ये है ईसाइयों के सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए। बस फिर हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम पढ़ी, समझते थे कि ये हज़रत मरियम को मानते हैं। बस हज़रत जाफ़र ने कुरान पढ़ा, सहाबी रसूल ने कुरान पढ़ा, हुजूर के भतीजे ने कुरान पढ़ा, जिन्होंने जंग मूता में शहादत पाई एज ए कमांडर, जब उन्होंने सूरह मरियम पढ़ी तो नजाशी और उसकी कैबिनेट पर असरात इतने आए कि फिर हदीस नहीं अर्ज कर रहा, कुरान फरमाता है वाइज़ा सामियू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दमई। जब उन्होंने कुरान सुना जो रसूल पर उतरा था तो उनकी आंखों से आंसू छम छम बरसने लगे। हजरत शेख ने लिखा कि नजाशी की दाढ़ी तर हो गई आंसू से, मिम्मा आरफू मिनल हक, क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया। और उसने कहा कि सब ने बयक जुबान हो के कहा कि ये कुरान और इंजील तो एक ही नूर की रोशनी है। और उसी इज्तिमा के अंदर ये है असर रसूलुल्लाह की दीन की सच्चाई का। वो बादशाह ने पुकार कर कहा मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम गले फाड़